वहीं देहरादून में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 26 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि चारधाम में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूँ, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें, तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है, जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें तो आगे भी दिख रही है कि जो है 25-26 तक भी दिख रही है, और जो बढ़ोतरी है 26 के बाद उसमें होनी चाहिए। जो रेनफॉल एक्टिविटी अगर बात करें तो 26 के बाद जो करीब तभी जो है अनेक जगहों तक अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो बाकी हिल्स में देखें तो वहाँ पर भी कुछ जगहों तक में वो हो जाएगी हल्की मध्यम तक की बारिश है, 26-27 से बढ़नी चाहिए। तो इस तरह का सीन दिख रहा है।